भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा के जारी परिणामों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शेखावत ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के पुत्र अविनाश डोटासरा की पत्नी साले और साली को आरएएस परीक्षा के साक्षात्कार में एक जैसे ही 80-80 अंक देकर अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। ऐसा करके राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के बेरोजगार योग्य अभ्यर्थियों के हक पर कोठाराघात किया है। शेखावत ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंक तालिका को जारी करते हुए बताया कि अविनाश डोटासरा की पत्नी प्रतिभा पूनिया, उनकी साली प्रभा पूनिया और साले गौरव पूनिया तीनों के ही लिखित परीक्षा में प्राप्तांक 50% से कम हैं, जबकि तीनों को ही साक्षात्कार में एक समान 80-80 अंक देकर अवांछित लाभ पहुंचाया गया है। यह दुर्लभ संयोग कैसे संभव है कि तीनों भाई बहनों का साक्षात्कार एक जैसा ही हुआ हो, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा को टॉप करने वाली मुक्ता राव को साक्षात्कार में 77 अंक ही दिए गए हैं। इसी तरह राज्य मेरिट में चौथी रैंक प्राप्त करने वाले निखिल को साक्षात्कार में मात्र 67 अंक मिले हैं। शेखावत ने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम से राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। उन्होंने आयोग को नाथी का बड़ा बना देने का आरोप लगाया है। शेखावत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों को सत्ता के दबाव में अनुचित लाभ दिलाया है और इस प्रकार योग्य अभ्यर्थियों के हक पर सीधा सीधा कुठाराघात किया है। शेखावत ने यह भी आरोप लगाया कि डोटासरा के पुत्र, जो खुद राज्य प्रशासनिक सेवा के अलाइड सेवा के अधिकारी हैं और सीकर में संचालित कलाम कोचिंग सेंटर में साझेदार की हैसियत रखते हैं, ने राज्य लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को भी अनुचित लाभ दिलवाया है। पूरे राजस्थान में इस बात की चर्चा है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा में कुल चयनित में से आधे से अधिक सिलेक्शन इसी कोचिंग सेंटर से हुए हैं। इसी तरह आरएएस परीक्षा के परिणाम में भी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बड़ी संख्या में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि उन्होंने अपने पिता के रसूख का अनुचित उपयोग अपने कोचिंग संस्थान के लिए किया है। डोटासरा अपने पुत्र के ससुराल पक्ष पर कुछ अधिक ही मेहरबान हैं। अपने पुत्र के ससुर को भी चुरू जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर अतिरिक्त चार्ज देकर लाभान्वित किया गया है। शेखावत इसे पद के दुरुपयोग का मामला मानते हुए शिक्षा मंत्री डोटासरा के इस्तीफे की मांग करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री से यह भी मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच करवाकर राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को बचाएं और साख पर बट्टा लगाने वाले अपने मंत्री को बर्खास्त करें।